नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ट्रीटमेंट के बारे में जानें, मैं आपको पथरी के बारे में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, पथरी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन प्रकार की पथरी होती है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। यानी कि कैल्शियम और ऑक्सलेट दो अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा आम पाए जाने वाली पथरी है। और इस पथरी के बनने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला प्रमुख कारण यूरिन का कॉन्सेंट्रेट हो जाना होता है, यानी कि जब हमारे यूरिन में, हमारा जो पेशाब होता है, अगर उसमें पानी कम है और वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्रिस्टलाइज होकर के पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे केसेस में जब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो उसमें पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि यूरिन बहुत ज़्यादा पीले कलर का आता है और बहुत ज़्यादा जलन करके आता है, तो ये समझ जाइए कि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अगर आपके यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी आपको पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कैल्शियम और जो ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट को कहा जाता है क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड होकर के पत्थर का निर्माण करता है। तो अब ये तो बात हो गई कारण की, अब जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे हम पथरी को अपनी बॉडी से बहुत जल्द आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही पावरफुल होम रेमेडीज़ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, और अगर इन्हें आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत जल्द आप अपनी बॉडी से पथरी को बाहर निकाल पाएंगे। सबसे पहली होम रेमेडी है कुल्थी की दाल के पानी की। ये कुल्थी की दाल कुछ इस प्रकार की होती है, इसका पानी आपको बनाना होता है। इसको बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी चाहिए, जिसे आपको गर्म करने के लिए चढ़ाना है। जब पानी गर्म होने लग जाए, उबलने लग जाए, तो उसमें आपको एक से दो चम्मच कुल्थी की दाल को डालना है और इस पानी को बॉईल करना है, तब तक जब तक कि पानी का कलर बदल ना जाए। जब पानी का कलर बदल जाएगा कुल्थी की दाल के साथ मिल करके, तो आप पानी को छान लीजिए और ठंडा करके सुबह सुबह खाली पेट पीजिए। अगर आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो बहुत जल्द आपकी बॉडी से पथरी बाहर निकल जाएगी। दूसरी होम रेमेडी है पत्थर चट्टे के जूस की। पत्थर चट्टा, जो कि एक तरह का ब्रायोफाइट है, एक तरह का पौधा होता है जिसकी पत्तियों का जूस पथरी को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पत्थर को गलाने में, जो पथरी है उसको गलाने में, उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पत्थर चट्टा की 2 से 3 पत्ती आप ले सकते हैं, या तो उसको डायरेक्टली आप चबा सकते हैं या फिर आप उसका जूस बना सकते हैं। 2 से 3 पत्तियां आप लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसका एक पेस्ट नुमा, एक पतला सा जूस नुमा बन जाएगा। चाहें तो उसे डायरेक्टली भी आप पी सकते हैं, चाहें तो उसे छान कर आप पी सकते हैं। दिन में अगर आप 2 बार इसे लेते हैं, एक सुबह और एक शाम को खाली पेट, तो इसका बहुत असर देखने मिलता है और पथरी आपकी जल्द से जल्द आपकी बॉडी से बाहर होती है। तीसरी होम रेमेडी है जौ के पानी की। जौ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बार्ले, एक तरह का अनाज है, जैसे गेहूं होता है उसके ऊपर छिलका होता है, उसे जौ कहा जाता है। तो उस जौ का पानी पीने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स, वेस्ट को बाहर निकालने में, क्योंकि जौ का पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपका यूरिन फ्लो भी बढ़ा देती है, और यूरिन फ्लो बढ़ने से जो पथरी है वो पानी के साथ निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जौ का पानी बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी को गर्म करना है, उसमें एक चम्मच जौ आपको डालना है, और इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी एक गिलास से घटकर आधा गिलास न रह जाए। जब ये आधा ग्लास रह जाए तो आप इस पानी को छान लीजिए और दिन में 3 से 4 बार पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इससे आपका यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में हैं, जो एक्स्ट्रा ऑक्सलेट, एक्स्ट्रा वेस्ट आपकी बॉडी में है, वो यूरिन के साथ फ्लश होकर के बाहर निकल जाएगा, और पथरी भी इस यूरिन फ्लो की वजह से बहुत जल्दी आपकी बॉडी से बाहर होगी। अगली चीज़ है नींबू पानी, जो कि सुनने में बड़ा ही कॉमन लगता है, लेकिन ये पथरी को
बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, क्योंकि नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, साथ में ही विटामिन सी, जो कि आपकी पथरी को डिसॉल्व करने में मदद करता है और इससे जल्द से जल्द आपकी पथरी आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। जितना हो सके दिन में 3 से 4 बार नींबू पानी पीजिए और उसके साथ बहुत सारा पानी पीजिए। जितना पानी आप पियेंगे उतना यूरिन आपका बनेगा और यूरिन फ्लो अगर फास्ट होगा तो पथरी निकलने के उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर किसी व्यक्ति को पथरी होती है तो डॉक्टर भी एक ही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक तरह से आपकी बॉडी में बाढ़ आ जाएगी पानी की और उस बाढ़ के साथ सारा कचरा बहता हुआ आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। लेकिन फिर भी अगर आपको पथरी की वजह से ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक नियर बाय यूरोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं, कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि आपकी नसों को हल्का सा रिलैक्स कर देते हैं, हल्का सा चौड़ा कर देते हैं, जिससे कि पथरी बहुत आसानी से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो ज़्यादा पेन है तो आप एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही आप कुछ जनरल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि जॉगिंग करना, जंपिंग करना, रस्सी कूदना, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और पथरी जल्दी से जल्द आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए और जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई उन्हें प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, आपकी डेफिनेटली बहुत जल्दी पथरी आपकी बॉडी से बाहर होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।